जी नहीं, खुदा से मित्तल जी नहीं गए थे, पति का पुतला एमयू के अंदर से निकले। सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक सेकंड विजयशंकर जी, सुधांशु मित्तल जी, यहां पर आरोप ये लग रहा है कि जिनको राजनीतिक रोटी सेकनी है वही जिन्ना के जिन को जगा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ पा रही सुधांशु जी, मैं दोबारा आपसे सवाल करूंगा। यहां सीधे सीधे आरोप लग रहा है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ये हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जिन्ना की चित्र वहां पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? वो कह रहे हैं नहीं रहना चाहिए। सुनिए, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कहते हैं, वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मैं अपनी बात कर लूं जरा, देखिए मैं बीच में नहीं बोलता तो मेरी बीच में बोले। अभी जब इन्होंने ये तर्क दिया कि क्या आप जिन्ना हाउस का नाम हटाएंगे, क्या आप बंबई हाईकोर्ट से भी वो चित्र हटाएंगे, क्या ये करेंगे, तो इसके मतलब क्या हुआ? ये कहते नहीं हटना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं, ना खाई जाए ना निकली जाए। नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सरकार बहुत बहुत ही कमजोर लोगों की सरकार है। प्रधानमंत्री स्वयं जिन्ना के चित्र का अनावरण कर रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री दोगली नीतियां चला रहे हैं, पाकिस्तान को भी खुश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में विजय शंकर तिवारी जैसे लोगों को। एक सेकंड, एक सेकंड सुरेंद्र जी, एक सेकंड सुधांशु मित्तल जी को अपना जवाब कंप्लीट करने दीजिए। सुरेंद्र जी ये कितने कुंठित हो रहे हैं जो मेरे को बोलने नहीं देने। आप अपना जवाब पूरा कीजिए सुधांशु जी। से कांग्रेस की जो है दोहरी नीति, तुष्टीकरण भी करना है और अब चूंकि तुष्टीकरण के नतीजे देख लिए इसलिए उससे भी बचना है कि दोनों रास्ते अपनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इनके बार इनके आचरण को दुनिया जानती, मैं इसमें नहीं कहता। मेरा स्पष्टता से दो प्रश्न है। अगर कोई इतिहास का ऐसा अध्याय जो कि काला है, जिससे संवेदनशीलता में हमारे विस्थापित भाइयों को दर्द पहुंचता है, उनके जख्म ताजा होते हैं, उनकी वो यादें ताजा होती हैं जब उन्होंने यातनाएं सही, जब उन्होंने अपने दर्दनाक और खौफनाक मंजर देखे थे, उन यातनाओं मंजर और दर्द का अगर कोई प्रतिबिंब था तो वो जिन्ना थे। अगर उनका चरित्र, उनका चित्र आज दिखता है तो वो यादें दोबारा ताजा होती हैं। क्या करनी चाहिए वाजपेयी जी के जमाने में? आपने आग बंद करके सरकार चलाई थी क्या? बहुत ही क्या, कैसे आती है सुधांशु जी, वाजपेयी जी के जमाने में अब आप इन्होंने कहा मुस्लिम, आपने क्या किया था फिर उस जमाने में? आपको आंखें नहीं खुली थी क्या? सुधांशु जी यहाँ पर सवाल ये किया जा रहा है कि इससे पहले भी आपकी सरकार रही तो क्या उस वक्त आंखें बंद थी क्या? उस वक्त भी आप हटवा सकते थे और आज के समय भी आपके पास विकल्प है। एचआरडी मिनिस्ट्री एक खत लिख दे यूनिवर्सिटी को कि आप वहां से जिन्ना की तस्वीर हटाइए, हट जाएगी तस्वीर, दिक्कत कहां है? स्पष्टता से पहला प्रशासनिक हक जो है इस बारे में जिम्मेदारी भी यूनिवर्सिटी के प्रशासन की है। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व क्या है और उनके उनके हक क्या है। इसलिए ये कम से कम ये जो दे रहे हैं, कुलपति को ये राइट नहीं है, किसी भी विषय को ये राइट नहीं है, हिस्टोरिकल पार्ट को वो मिटा दे। सुधांशु जी गलत बोल रहे हैं, आपको एक ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल मुखलिस हैं, वाकई अगर आप चाहते हैं जिन्ना की तस्वीर हटे तो जल्दी से ऑर्डिनेंस जारी कीजिए, तभी हो सकता है या कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आइए। वैसे नहीं होगा, कोई भी वाइस चांसलर ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी वाइस चांसलर हिस्टोरिकल पार्ट को नहीं मिटा सकते। महमूद मदनी की तारीफ करना चाहता हूँ जो की मौलाना है और देवबंद के मौलाना थे। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, जिन्ना हमारी जो है विरासत नहीं है और उसकी तो कौन जिन्ना को अपना कौन मान रहा है या विरासत? कोई नहीं मान रहा है। जिन्ना हमारी विरासत है, उन्होंने कहा कौन मांग रहा है हमारी विरासत? ना तो जिन्ना है ना सावरकर है। आप कह रहे हैं कि सावरकर भी हमारी विरासत नहीं है, दोनों ही अंग्रेज के दलाल थे। जिन्ना भी अंग्रेज का दलाल था, सावरकर भी अंग्रेज के दलाल थे। मौलाना ये बताओ, महमूद मदनी गलत बोल रहे हैं? सावरकर और जिन्ना दोनों अंग्रेजों के दलाल थे। एक 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 दोनों ही भारतीय अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती कराते थे, जिससे सुभाष चंद्र बोस जी की फोर्स मारी गई। देश के साथ एक लाख करूंगा। प्रशांत गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सावरकर और जिन्ना एक तरीके के आतंकवादी थे, जो देश का विभाजन का जिम्मेदार था। आप उसके साथ है या उसके साथ है जो देश की अस्मिता के साथ है? अरे देश के विभाजन के जिम्मेवार सावरकर, मुंजे, जिन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक सेकंड सुनिए जी,
काजमी साहब, अब ये बताइए, अब इसे एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से आप कह रहे हैं कि